हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और आज की इन्फॉर्मेशन है एप्सम सॉल्ट के बारे में। फ्रेंड्स, एप्सम सॉल्ट एक मैग्नीशियम सल्फेट है। ये प्लांट्स के लिए बहुत बहुत ही नेसेसरी है। प्लांट्स की हर तरह की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नीशियम सल्फेट प्लांट्स की सॉइल में और प्लांट्स में डायरेक्ट अप्लाई करने से प्लांट्स बहुत तेज़ी से, उनके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेते हैं। इसका मेन पर्पज़ होता है, जैसे कि हमारी बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो येलो हो गई हैं, किसी प्लांट में जो फ्लावर्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, या बिल्कुल बहुत छोटे साइज़ के फ्रूट्स हैं, या बहुत छोटे साइज़ के वेजिटेबल्स हैं, या वेजिटेबल के फ्लावर्स तो बनते हैं लेकिन वो वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं होते। फ्लावर आते हैं और टूट जाते हैं, उनसे वेजिटेबल नहीं आ रही है। इस तरह की प्रॉब्लम फ्रेंड्स मेरे साथ भी हुई है, और मुझे भी किसी ने सजेस्ट करा कि आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ करो, और एप्सम सॉल्ट मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी की है, सभी के साथ होता है। इस तरह की प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो येलो हो जाती हैं, साइड साइड से सारी ऐसा लगता है जैसे बहुत जल गई हैं। गर्मी एक रीज़न है, ऑफ़ कोर्स गर्मी आजकल बहुत हो रही है, बट ये प्रॉब्लम सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, ये और भी सीजन्स में देखी गई है। और इसका सबसे मेन कारण होता है मैग्नीशियम की कमी की वजह से प्लांट्स की लीव्स येलो होने लग जाती हैं, प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो कम होने लग जाते हैं। रोज़ के लिए, रोज़ प्लांट के लिए तो मैग्नीशियम सल्फेट एक बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये एप्सम सॉल्ट है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़ॉन से। इसके ऊपर पूरी टेक्निक लिखी है कि आपको बनाना कैसे है ये, और ये सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच 5 लीटर पानी में बनता है। बी वेरी केयरफुल जब आप इसको बनाएं या जहां आप इसको रखें। सबसे पहली बात कि बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना है। बच्चों के कांटेक्ट में आ गया तो ये बिल्कुल एक पॉइजन है एक तरह का, तो बच्चों के कांटेक्ट से तो बहुत ही दूर रखें। इसलिए हम इसको प्लांट्स पे भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको बहुत डाइल्यूट करके, आप खुद ही देखिए कितना स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन है इसका, कि मैं एक बस जस्ट 1 स्पून मैं 5 लीटर पानी में यूज़ करने वाली हूँ। 1 से 1.5 चम्मच 5 लीटर पानी में, बस इतना ही काफ़ी है प्लांट्स के लिए, इतना ही आपको प्लांट्स को अप्लाई करना है। मैंने 1 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मेरा स्पून का साइज थोड़ा छोटा था। इसको जैसे ही यूज़ कर लेना है, जैसे ही आपको जितना अमाउंट चाहिए उसको निकालो और वापस से उसको सील करना है, बिकॉज जैसे ही ये ह्यूमिड के कांटेक्ट में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर एप्सम सॉल्ट आ गया और अगर वो पैकेट खुला रह गया तो पूरा एप्सम सॉल्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपको जैसे ही जितना चाहिए उतना यूज़ करिए, बाकी का वापस से सील पैक करके रखना है। बहुत अच्छा मिक्स देना है इसको, ये बिल्कुल फाइन क्रिस्टल्स की तरह दिखता है, एकदम क्रिस्टल, चमकते हुए क्रिस्टल्स की तरह दिखेगा, लंबे लंबे से क्रिस्टल्स होते हैं इसके। और 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से, 1 से 2 मिनट में आप अच्छे से मिक्स करते रहो, ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, फिर पानी में दिखाई भी नहीं देता कहाँ है। बिल्कुल जैसे घर में सॉल्ट होता है, सॉल्ट जैसे मिक्स होता है बिल्कुल वैसे ही मिक्स हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट को देखा गया है कि इसका सबसे अच्छा इफेक्ट तब आता है जब आप प्लांट्स पे इसको डायरेक्ट स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है, इसलिए मैं इसको स्प्रे बॉटल में भर के और सारे प्लांट्स पे मैं इसको स्प्रे करूंगी। प्लांट्स को टाइम टू टाइम एक अच्छा फर्टिलाइज़र, एक अच्छा पेस्टिसाइड, एक फंगीसाइड देना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। जैसे ही प्लांट्स में फ्लावरिंग शुरू होती है या फ्रूट वेजिटेबल आने स्टार्ट होते हैं तो उतनी ही तेज़ी से फंगल अटैक करता है, उतनी ही तेज़ी से पेस्ट अटैक करते हैं।
तो इसलिए टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है फर्टिलाइज़र देते रहो, आप पेस्टिसाइड देते रहो और आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से स्माइल करते रहेंगे, बहुत अच्छे से आपको सारे प्लांट्स पे, प्लांट्स के हर एक पार्ट पे, लीव्स पे, थोड़ी सी रूट्स में, स्टेम में, हर जगह आपको बहुत अच्छे से स्प्रे देना है इसका। ये देखिए जहाँ जहाँ भी येलो लीव ज़्यादा हैं वहाँ बहुत अच्छा स्प्रे करिए। एप्सम सॉल्ट का कैसा इफेक्ट रहा मेरे प्लांट्स पर, ये मैं आपसे बहुत जल्दी ही इसका एक अपडेट आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरी भी प्लांट्स की लीव्स बहुत ख़राब हो रही थी। मुझे भी सजेस्ट किया गया यूज़ एप्सम सॉल्ट और उसके बाद अब इफेक्ट देखना। इसका अपडेट जल्दी ही आपके साथ शेयर होगा। इस तरह से सारी जगह मैंने बहुत अच्छे से स्प्रे किया है। ऐसा बोलते हैं जिसके घर में रोज प्लांट है उसको तो एप्सम सॉल्ट जरूर यूज करना चाहिए। जो रोज आने स्टार्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे भी प्लांट्स में रोज ज्यादा नहीं आते हैं, 3 से 4 रोज बड़ी मुश्किल से खिलते हैं। जितनी भी येलो लीव्स हो रही है मैंने वहां पे बहुत अच्छे से स्प्रे किया है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका इफेक्ट कैसा रहा। तब तक के लिए गुड बाय।